हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में आप में से काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो बेसिकली ये जो मेरा प्लांट है फालसे का, इसको कोई किया था जो मैं देखता था, जैसे मान लीजिए मैंने आज देखा तो आज कुछ पत्तियाँ कटी हुई और अगले दिन कुछ और काफ़ी सारी पत्तियाँ कटी होती थी। तो ये जो प्रॉब्लम थी मुझे नहीं समझ आती किस चीज़ की है, पर बाद में एक दिन मैं जब बहुत सुबह में आया और मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता चला कि ये ख़ास तरह की ख़ास तरह की मक्खी है जो लीफ को काटती है और इसको लीफ कटिंग बी कहते हैं। तो इस जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ जगह पर उसको दिखाया भी है कि वो कैसे मेरे प्लांट को काट रही है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, इस जगह से अभी वो उड़ के जाए, यहाँ पे वो काटेगी, देखिए वो काट रही है और ये इसने काटा और ले गई उड़ के। तो इस तरीके से उसने डिफरेंट जगह पे इस वीडियो पे काटा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो इससे बचने का बहुत ही इजी सा तरीका है, वीडियो में आपको जहाँ जहाँ भी एरो दिखाई दे वहाँ देखिएगा तो वो भी मिलेगी आपको, और मैं आपको बता रहा कि इसका तरीका क्या है इलाज का। तो जो बेस्ट सिस्टम है इसके तरीके का, यहाँ से ये उड़ के जाएगी फ्रेंड्स, देखिएगा। तो जो इसका बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इस पर कोई भी स्प्रे कीजिए, यानी कि या तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, या तो अगर आप केमिकल स्प्रे करते हैं तो आप कोई केमिकल स्प्रे कीजिए जिससे आपके प्लांट के ऊपर एक ख़ास तरह की लेयर बन जाए, जिससे उस लीफ कटिंग बी को काटने में मुश्किल हो और वो पत्तियों को ना काट पाए। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहेंगे तो आप 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नीम ऑयल और 1 टीस्पून कोई भी सॉफ्ट लिक्विड सोप या फिर आपका नॉर्मल साबुन, उसको भी आप घिस सकते हैं, और दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छा, पानी में डालने से पहले पानी को ल्यूक वार्म यानी कि सहता हुआ गर्म कर दीजिएगा। जब आप पानी को सहता गर्म कर लेंगे तो फिर उसके बाद ही आप उसमें तेल डालेंगे, और तेल डालने के बाद आप उसमें साबुन डालेंगे, और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे प्लांट पे आपको स्प्रे कर देना है, नीचे की तरफ से, पत्तियों के ऊपर की तरफ से, आपको पूरे प्लांट पे उसको अच्छे से स्प्रे कर देना है। अगर आप केमिकल फॉलो करते हैं तो फिर आप जाके शॉप पे पूछ लीजिएगा, मुझे लगता है शायद लीफ कटिंग बी के लिए स्पेशली भी कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे आता हो, मुझे तो नहीं पता, बट अगर आता नहीं होगा तब भी अगर आप इविडाक्रोपिड या कोई भी स्प्रे कर देंगे जो पत्ती के ऊपर एक लेयर बना ले, तो मुझे उम्मीद है कि आप बी से अपने प्लांट को बचा लेंगे। तो ये दो तरीके हो गए कि आप अपने प्लांट को कैसे बचा सकते हैं, अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आप वो चिली गार्लिक का जो हम लोग स्प्रे बनाते हैं वो भी कर सकते हैं, और ये सारे स्प्रे बहुत अच्छे से काम करेंगे लीफ कटिंग बी को दूर करने में। और ये जो आपके ये लीफ कटिंग बी उन प्लांट्स पे अटैक करती है जिनकी पत्तियाँ न्यू बॉर्न लीव्स होती हैं, वो बहुत दिन तक सॉफ्ट रहती हैं। तो उसमें से फालसा भी एक ऐसा प्लांट है जिसकी जब पत्तियाँ निकलती हैं तो वो बड़ी तो हो जाती हैं, पर उसकी जो पत्तियाँ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक सॉफ्ट रहती हैं। तो इस वजह से वो जो लीफ कटिंग बी है वो आती है और बहुत ईजीली इनकी पत्ती काट देती है। ऐसा वो अपना घोंसला बनाने के लिए करती है, बेसिकली घोंसला नहीं, उसमें कोई और वर्ड होगा, पर मैं आपको बताने समझाने के लिए कर रहा हूँ, और उसी के अंदर वो अपने अंडे देती है जिसमें लार्वा बड़े होते हैं जो अंडे से निकल के। तो वो पूरा डिफरेंट प्रोसेस है, अब मैं आपको वीडियो में और दिखाऊंगा कि किस जगह पे वो लीफ कटिंग भी आई है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी एक लीफ कटिंग भी आ गई है और उसने पत्ती काटना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, पर्सनली मुझे इस वाली मतलब पार्ट बहुत गुस्सा आया था, बिकॉज उसने मेरी लीफ काट भी दी और उसके बाद वो उड़ के जब ले जाने की उसने कोशिश किया तो वो पत्ती को नहीं ले जा पाई और उसने पत्ती को छोड़ दिया। तो इससे मेरे प्लांट में भी मतलब नुकसान हुआ और उस बी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया था कि उसने क्यों छोड़ दिया। और ये देखिए, गिर गई और वो पत्ती छोड़ के चली जाती है। और एक बार मैं आपको और दिखाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।